दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल पे। और देखिए अभी हम बात करेंगे बादल और उनके वर्गीकरण के ऊपर, ठीक है। तो मैं इसमें आपको बादल के ऊपर ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, मतलब कि बादल के वर्गीकरण के ऊपर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जो आप कभी भी नहीं बोल सकते, ये मेरा गारंटी है। और आप मुझे इस पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर हम देखिए बादल की अगर बात कर लें, तो बादल का ऐसा है कि पृथ्वी की सतह से काफ़ी ऊंचाई पर वायुमंडल में जल वाष्प के जो संघनन होता है उसके फलस्वरूप निर्मित जल कणों या हिम कणों के झुंड को बादल कहा जाता है। और बादल की अगर हम बात करें तो ये मुख्यतः हवा के रुद्धोष्म प्रक्रिया के द्वारा ठंडा होने पर उनके तापमान जब उषांग से नीचे हो जाता है तब जाकर बादलों का निर्माण होता है। और अगर हम बादलों के वर्गीकरण की बात करें तो ये तीन प्रकार के होते हैं, पहला ऊँचे मेघ, दूसरा मध्य मेघ और तीसरा निचले मेघ। तो ऊंचे मेघ की अगर हम बात करें तो इसमें तीन प्रकार होते हैं, पहला पक्षाभ मेघ और पक्षाभ स्तरी मेघ और पक्षाभ कपासी मेघ। जबकि मध्य मेघ की बात करें तो उसका भी कुछ कंडीशन यही होता है, जिसमें उच्च स्तरी मेघ, उच्च कपासी मेघ। और निचले मेघ की बात करें जिससे बारिश होता है तो ये होता है स्तरी मेघ, स्तरी कपासी मेघ और कपासी मेघ, कपासी वर्षी मेघ और वर्षा स्तरी बादल। तो ये हो गया बादलों के प्रकार। और जैसा कि मैंने कहा कि आप जैसे कि हिंदी नाम में थोड़ी दिक्कत होता है कि कौन बादल सबसे ऊपर है और कौन मध्य का है और कौन सबसे निचला है और कौन से बादल से बारिश ज़्यादा होता है ना, तो कभी कभी बड़ा दिक्कत हो जाता है कि जैसे आपको हिंदी नाम याद है तो ठीक है, चूँकि हर चीज़ आदमी याद नहीं रह सकता। तो ऐसी कंडीशन में आपको तीन चीज़ याद रखना है। पहला आपको याद रखना है सर, यानी कि CIR सर, ALTO अल्टो कार। उसके बाद नींबू। नींबू का ऐसा है कि नींबू पानी से तो आप लोग वाकिफ ही होंगे, आप लोग पीते ही होंगे नींबू पानी, है ना, कभी ना कभी घर में ज़रूर पिया होगा। घर में ना पिया हो तो बाहर दोस्तों में, गर्मी की छुट्टी में या फिर एग्ज़ाम से पहले आपने नींबू पानी तो पिया ही होगा। तो नींबू हो गया, है ना, आपको तीन चीज़ें याद रखना है, सर, अल्टो और नींबू। तो देखिए सर की अगर हम बात करें तो सर इंसान का सबसे ऊपर होता है। तो जिस बादल के इंग्लिश वर्जन में सर लगा हुआ है तो वो बादल सबसे ऊपरी बादल होगा, कन्फर्म है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे दें सर्रस, ठीक है, फिर सिर्रो स्टेटस और सिर्रो कॉमिलस। तो जिस बादल में सर लगा हो, CIR सर लगा हो, वो बादल सबसे ऊपरी बादल है, ठीक है। और अल्टो कार ये क्या है, मध्यम वर्ग की पहचान है, शान है अल्टो कार, है ना। चूँकि आप मतलब हम तो हैं लगभग, तो हम पता है कि जो अल्टो कार है ये मध्यम वर्ग की पहचान है। लगभग अल्टो कार यानी कि हम मध्यम वर्ग से हैं ये मान के चलते हैं लोग। तो अल्टो कार ध्यान रखना है। और अल्टो, जिस भी बादल में अल्टो लगा है मान लीजिए कि वो बादल मध्य स्तरीय बादल है, यानी कि मध्य मेघ है, जिसे कि मिडिल क्लाउड यानी कि कहा जाता है, उसमें जिसमें अल्टो लगा हो। देखिए अब अल्टो स्टेटस क्लाउड, फिर अल्टो कॉम्युलस क्लाउड, फिर इस टाइप से, यानी कि जिस बादल में अल्टो लगा हो वो मध्य बादल है और जिस बादल में नींबू जुड़ा हो मतलब वहाँ पे वो बादल पानी देने वाला बादल है, क्योंकि नींबू के साथ पानी जुड़ा ही जुड़ा है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूँ तो क्या है, कॉम्बुलस निम्बुलस क्लाउड, ठीक है, फिर निम्बस स्टेटस क्लाउड। तो जिस बादल में नींबू लगा है वो पानी वाला बादल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्कार। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं।